हेलो स्टूडेंट्स आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश और सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर ट्वेंटी टू ये है ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट की वर्कशीट तो सोशल साइंस की जो वर्कशीट है वो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करेंगे ये वर्कशीट देखने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही हम वर्कशीट अपलोड करें आपको इमिडिएटली पता चल जाए आपको बार बार ना पूछना पड़े तो जल्दी से इस वर्कशीट में क्या है देख लेते हैं तो इंग्लिश की जो वर्कशीट है आपकी वो कॉम्प्रीहेंशन वर्कशीट है और रिकैप वर्कशीट है ये रिकेपिचुलेशन वर्कशीट है मतलब कि ऑलरेडी हम इस पे वर्कशीट कर चुके हैं ये एक तरह से उसकी रिकैप है तो ध्यान से इन फोटोज को आप देख लीजिए ये जो आपकी फोटो वन है पिक वन है इसको ध्यान से देखिए कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड है और फिर कुछ क्वेश्चन पिक टू पर बेस्ड है तो पिक टू पिक वन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेडी है जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं तो आपको याद ही होगा हमने एक चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पे वर्कशीट की थी तो ये पिक वन जो है वहीं से है और ये जो पिक टू है इसमें आप देख सकते हैं कि दो रस्ते हैं जो दो तरफ जा रहे हैं एक इस तरफ लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ जा रहा है एक रास्ता जो है वो थोड़ा सा ग्रासी है ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कम लोग चले हैं इस पर और जो दूसरा रास्ता है वो ग्रास उस पर कम है ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग चले हैं तो जी हाँ आपको याद आ गया होगा ये जो आपकी पोयम है द रोड नॉट टेकन उससे ली गई पिक है तो आपको जरूर रिकैप हो गया होगा कि ये किससे रिलेटेड वर्कशीट है तो जल्दी से इनके आंसर कर लेते हैं बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है ये क्योंकि ऑलरेडी आप इसमें क्वेश्चंस कर चुके हैं तो पिक वन दोबारा ध्यान से देखिए क्योंकि उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रही हूं तो देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है सो लुक एट द पिक वन एंड आंसर द फॉलोइंग पिक वन को देखते हुए आपको आंसर करना है अगर आपको दोबारा पिक देखनी है तो आप वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं तो पहला क्वेश्चन है हु इज द लेडी इन पिक वन पिक वन में कौन है ये औरत तो ए ऑप्शन है मिस मैकसन बी मिस मेरी सी एवलिन ग्लेनी डी नन ऑफ दीज तो आप देख सकते हैं कि आपका जो चैप्टर है उसमें एवलिन ग्लेनी जो है वो इस आ, इस पिक में दिखाई गई हैं वो म्यूजिशियन दिखाई गई हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन टू शी ट्राइंग टू डू इन द पिक वन पिक वन में वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं ए कुकिंग वो खाना बना रही हैं बी सिंगिंग वो गाना गा रही हैं सी डांसिंग वो डांस कर रही हैं नाच रही हैं ऑप्शन डी प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ऑफकोर्स ये ऑप्शन डी जो है वो सही है क्योंकि वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं फिर आ जाते हैं आपके क्वेश्चन थ्री पर

Uh, क्यों क्योंकि वो थाउजेंड uh, से भी ज्यादा जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं सैकड़ों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती हैं तो वो मल्टी क्या है क्योंकि थाउजेंड से ज्यादा एक से ज्यादा है तो इसलिए वो मल्टी हैं लेकिन मल्टी क्या क्या वो मल्टी मिलनेर हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है मल्टीलिंग है उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं सी वो मल्टी पर्कशनिस्ट हैं मतलब कि म्यूजिकल म्यूजिशियन है परकशन प्ले करती हैं डी नेशनल है उनकी नेशनैलिटी अलग अलग कंट्रीज को वो बिलोंग करती हैं तो जैसा कि आप इससे देख सकते हैं विद मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि वो मल्टी मल्टीपकशनिस्ट है वो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकती हैं अब चलते हैं आपके क्वेश्चन फोर पर क्वेश्चन फोर आपका कहता है शी इज एम डैश टू मिलियंस ऑफ पीपल Who get by her determination. तो ये वर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि अगला वर्ड जो है वो आपका कौन सा होगा तो क्योंकि यहाँ एन है तो अगला वर्ड जो होगा वो ए -e -o -a -o -u वाली साउंड होगी से शुरू होता हुआ होगा तो इसलिए जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं कि शी इज एन हैप्पीनेस ऑप्शन ए नहीं क्योंकि वो खुशी तो नहीं है मिलियंस ऑफ पीपल की शी इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल हु गेट इंस्पायर्ड बाय हर डिटर्मिनेशन तो वो एक तरह से इंस्पिरेशन है लोगों के लिए लोग उनको देखकर इंस्पायर होते हैं और उनके डिटर्मिनेशन को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं फिर सी है शी इज एन मोटिवेशन गेट मोटिवेटेड बाय हर डिटर्मिनेशन अब जो है सी यहाँ हो सकता था कि वो मोटिवेट कर सकती थी पीपल को बिल्कुल करती होंगी लेकिन क्योंकि यहाँ एन है तो एन और मोटिवेशन ठीक साथ में नहीं जाएगा ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज तो ऑलरेडी हम ये ऑप्शन ए और सी यहाँ माइनस कर चुके हैं कि वो गलत हैं तो इसलिए डी भी गलत होगा ऑल ऑफ दीज नहीं है तो हमारा यहाँ पर फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन बी इंस्पिरेशन एंड इंस्पायर चीज एंड इंस्पिरेशन टू मिलियंस ऑफ पीपल आपके जल्दी से आपको पिक टू फिर से दिखा देती हूँ अगेन ये पिक टू है इसमें ये दो रोड्स डाइवर्ज हो रही है तो अब इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं सो नाउ लुक एट द पिक टू एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो क्वेश्चन फाइव है आपका रोड नॉट टेकन इज अ डैश तो रोड नॉट टेकन क्या है वो पोयम है प्ले है स्टोरी है या बैलेड है तो वो पोएम है एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस ने ये पोयम लिखी है तो ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है फिर चलते हैं क्वेश्चन सिक्स वाई डिड द पोएट सिलेक्ट द लेस टेकन अप रोड तो पोएट ने जो रोड uh, जिसपे कम लोग चले थे वो सिलेक्ट क्यों की क्यों क्योंकि ऑप्शन ए ही लॉस्ट हिज वे वो अपना रास्ता भूल गया था ऑप्शन बी टू मेक अ डिफरेंस वो कुछ जीवन में कोई चेंज लाना चाहता था डिफरेंस लाना चाहता था जिंदगी में सी इट वॉज बाई मिस्टेक गलती से वो उस रोड पर चला गया था डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं तो ऑप्शन बी टू मेक अ डिफरेंस वो कुछ अलग करना चाहता था इसीलिए ये उसने वो कम चली हुई रोड पे वो गया तो ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन सेवन द तो पोयम टेल्स अस दैट वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डैश इन लाइफ तो पोएम हमें ये बताती है कि हमें जिंदगी में दो बार सोचना चाहिए क्या करने से पहले तो गेम्स खेलने से पहले या घर घर से पहले घर लेने से पहले या कोई डिसीजन लेने से पहले या कोई भी जर्नी लेने से पहले तो ऑप्शन सी कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें दो बार सोचना चाहिए ये यहाँ पर पोयम बताती है ये आपका सही ऑप्शन है तो चलते हैं क्वेश्चन एट पर क्वेश्चन एट आपका कहता है इज द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम डाइवर्ज डिवाइड कन्वर्ज सेपरेट तो ये चार वर्ड्स आपको दिए हैं इनमें से ऑड वर्ड कौन सा है तो पहला वर्ड है डाइवर्ज इसका मतलब है दो अलग अलग रस्तों की तरफ निकल जाना डिवाइड का भी मतलब है दो अलग अलग दो या दो से ज्यादा अलग अलग करना डिवाइड करना अलग अलग करना बांटना कन्वर्ज का मतलब है साथ में लाना तो अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो उनको साथ में लाना सेपरेट का मतलब भी है अलग अलग करना तो आप देख सकते हैं कि डाइवर्ज, डिवाइड और सेपरेट का मतलब सिमिलर सा है कि तीनों का ही मतलब है अलग -कर, अलग अलग करना सिर्फ एक जो वर्ड है कन्वर्ज उसका मतलब है साथ में लाना तो आपका ऑप्शन बी जो है कन्वर्ज वो यहां पर ऑड वन है आउट ऑफ थ्री वर्ड्स तो आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट में तो बस इतना ही था और सिंपल सी वर्कशीट थी रिकैप वर्कशीट थी अब चलते हैं आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट पर तो पहले मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिखा देती हूँ सोशल साइंस की वर्कशीट उसके बाद हम हिंदी में भी दिखाएंगे आंसर्स हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करेंगे मैं इंग्लिश में अभी इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको ये क्लियरली दिख जाए तो अगेन ये सोशल साइंस की हिस्ट्री की वर्कशीट है ये और 25 अगस्त की वर्कशीट है ये और वर्कशीट नंबर 22 ये सोशलिज्म पर बनी हुई वर्कशीट है तो सबसे पहले आपके साथ सोशलिज्म का मतलब यहां पर शेयर किया गया है मीनिंग ऑफ सोशलिज्म द वर्ड सोशलिज्म हैज बीन यूज एट डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट टाइम्स बाई डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्टेक्ट ये, जो है, समाजवाद का ये जो शब्द है ये अलग अलग जगहों पर यूज किया गया है अलग अलग समय पर यूज किया गया है अलग अलग लोगों ने यूज किया है और अलग अलग ऑब्जेक्टिव अलग अलग पर्पसिस के लिए यूज किया गया है कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए यूज किया गया है और अलग अलग कॉन्टेक्ट मतलब अलग अलग सिचुएशन अलग अलग स्थितियों में इसको यूज किया गया है सोशलिज्म एक्सप्लेन्स द ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल सब्जेक्ट्स। तो सोशलिज्म जो है समाजवाद जो है वो वो किन बातों पर विचार करता है वो इन बातों पर विचार करता है कि जो धन है धन और संपत्ति बंटवारा जो होगा वो किसको मिलेगी ओनरशिप क्या है और उसका वितरण कैसे होगा तो वो किन किन को मिलेगी इनका वो इकोनॉमिक uh, आर्थिक और सोशल मतलब समाज आर्थिक और सामाजिक विषयों के तौर पर इनका इन पर वो विचार करता है अब इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सोशलिज्म सोशलिज्म के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं? सोशलिज्म अपोजेज द राइट्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रॉपर्टीज तो सोशलिज्म समाजवाद जो है वो वो क्या अपोज करता है किससे वो अग्री नहीं करता है तो so, सोशलिज्म समाजवाद कहता है कि जो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी पे जो राइट right है कि भाई सदियों से जो मुझे वो मिलती जा रही है संपत्ति उस पर मेरा राइट है उसको वो अपोज करता है वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो जमींदार है वो सालों साल बस जमींदार ही बने रहे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे तो फिर अमीर अमीर ही रहेंगे और गरीब गरीब ही रहेंगे तो इसलिए वो इसको अपोज करता है अगला है अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी और स्टेट और गवर्नमेंट तो सोशलिज्म समाजवाद के हिसाब से जो चीजें uh, हैं जो उत्पाद के जो साधन हैं तो उत्पाद के जो साधन है और जो वितरण है उनका उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो जो है या तो सोसाइटी के हाथ में होना चाहिए लोगों के हाथ में होना चाहिए या फिर वो स्टेट के गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए कुछ चुने हुए लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए <coughs> और साथ ही साथ और क्या फीचर्स हैं समाजवाद के इट इज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड तो आपको हिंदी में भी यहाँ दिखा देते हैं कि ये जो है आ, समाजवाद जो है वो पूंजीवाद और मुक्त व्या मुफ्त व्यापार के खिलाफ है साथ ही साथ समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है तो सम, आ, समाजवाद में सोशलिज्म में ये भी विचार किया जाता है कि स्टेट के गवर्नमेंट के क्या ड्यूटीज होंगी क्या राइट्स होंगे क्या कर्तव्य होंगे क्या अधिकार होंगे साथ ही साथ सिटीजन्स के नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे ड्यूटीज होंगे क्या अधिकार होंगे क्या राइट्स होंगे इन पर भी आ, विचार किया जाता है अब आगे चलते हैं हम देख लेते हैं यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थितियां तो यूरोप में समाजवाद कैसे आया किन परिस्थितियों में यूरोप में समाजवाद आया तो फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसमें कुछ विचारों का के फैलने से यूरोप में समाजवाद आया वो कौन से विचार थे वो थे समानता बंधुत्व भाईचारा न्याय ऐसे जो विचार थे यूरोप में जब फैले उससे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब फैले उससे समाजवाद की परिस्थितियां बनी तो इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस जैसे जो आइडियाज थे यूरोप में जब ये फैले फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो ये सोशलिज्म आया सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्र राष्ट्रों के उदय की भावना तो साथ ही साथ जो नोबिलिटी थी जो ऐसे जो लोग थे जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो थे नोबिलिटीज में नोबल मैन में, में जो आते थे सामंत सामंत जिन्हें कहा जाता था तो वो जब कमजोर होने लगे सामंतवाद जब कमजोर होने लगा और साथ ही साथ नए एरियाज नए ने नेशंस बनने लगे नए राष्ट्रों का उदय की भावना सारे में फैलने लगी कि अब वो सिचुएशन आ गई है वो परिस्थिति आ गई है कि हमें नए नए राष्ट्र बनाने चाहिए औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना तो साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति आ गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था जिसकी वजह से मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी और अवस्था में भारी बदलाव आ गया था मतलब लेबर क्लास जो थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी और साथ ही साथ उनकी जो सिचुएशन थी वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी तो उस उसके साथ साथ पूंजीपतियों के साथ उनका संघर्ष बढ़ गया था तो साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि जो लेबर क्लास थी मजदूरों की जो मजदूर मजदूरों का जो वर्ग था और जो कैपिटलिस्ट क्लास थी जो पूंजीपतियों का जो वर्ग था उनके आपस में बहुत ज्यादा संघर्ष बढ़ गए थे क्योंकि लेबर क्लास जो थी वो और ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी वो देख पा रही थी कि उनकी अवस्था जो है वो इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए वो लोग जो है पूंजीपतियों के अपोजिशन करने लगे थे विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना तो साथ ही साथ साइंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे साइंस में नए नए इन्वेंशन हो गए थे नवीन खोज हो गए थे और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया था यातायात के साधन जो थे वो बहुत डेवलप हो गए थे ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया था सी रूट्स बढ़ गए थे एयर रूट्स बढ़ने लगे थे और उसकी वजह से व्यापार जो था जो जो था जो था कॉमर्स वो बहुत बढ़ने लगा था और साथ साथ ही मध्यम वर्ग मिडिल क्लास जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी तो पहले सिर्फ एक लेबर क्लास होती थी और एक कैपिटलिस्ट क्लास होती थी मतलब कि मजदूर वर्ग होता था और पूंजीपति होते थे लेकिन इन सब के कारण साइंटिफिक इन्वेंशन के कारण ट्रांसपोर्टेशन के कारण यातायात के कारण क्या होने लगा कि इन दोनों क्लासेस के बीच में इन दोनों वर्गों के बीच में एक मिडिल क्लास मध्यम वर्ग भी तेजी से बढ़ने लगा जो ये जॉब्स करता था तो ये भी एक रीजन हो गया कि यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थिति बन गई साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये आया कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स गल जैसे समाज शास्त्रियों का प्रभाव तो कुछ ऐसे सोशलिस्ट थिंकर्स भी रहे हैं जैसे कि मार्क्स फेडरिक एंगल्स और हीगल इन्होंने अपने जब विचारों को सबसे शेयर किया और सबको बताया कि ये क्या सोचते हैं तो उन इन समाज शास्त्रियों के जो बातें थी उनका लोगों पर जो प्रभाव पड़ा उससे भी यूरोप में समाजवाद आने की परिस्थिति हो गई अब क्या हुआ आगे क्या हुआ यूरोप में बदलते हालात तो उसके बाद जब ये परिस्थितियां आ गई तो यूरोप जो है वो तीन तरह के लोगों में बट गया तो लोग जो है उनकी सोच बदलने लगी और यूरोप के जो हालात थे वो बदलने लगे तो एक कैटेगरी बनी लोगों की जो थे पुरातनवादी मतलब कि कंजरवेटिव कंजरवेटिव जो थे वो क्या सोचते थे तो पुरातनवादी वो थे जो पुराने शासन तंत्र, राज तंत्र और सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था के समर्थक थे तो वे लोग जो मोनार्की में बिलीव करते थे वे लोग जो ये बिलीव करते थे कि जो नोबलमैन uh, है या किंग्स हैं जो राजा और इन लोगों का जो शासन है वही कंटिन्यू होना चाहिए नोबलमैन का शा, शा, शासन शासन कंटिन्यू होना चाहिए uh, वो जो लोग थे राजनीतिक व्यवस्था के जो समर्थक थे उन्हें पुरातनवादी कंजर्वेटिव कहा गया है फिर दू, दूसरा एक कैटेगरी लो, बनी लोगों का जो था रेडिकल यानी कि आमूल परिवर्तनवादी जो लोग थे उनकी एक कैटेगरी बनी वो क्या सोचते थे, थे वो क्या समझते थे वो कहते थे कि आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे श्रीलंका में है रूल तो ये इनका ये मानना था कि भाई अगर एक पॉपुलेशन है उसमें हंड्रेड परसेंट लोग हैं तो हंड्रेड परसेंट में से मेजोरिटी लेट से अगर सेवेंटी परसेंट लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो वही लोगों को सब पर रूल करना चाहिए उन्हीं को शासन करना चाहिए तो बेसिकली वो माइनॉरिटी के बारे में ना सोचते हुए वो ये कहते थे कि भाई जो लोग ज्यादा है वही रूल करे तो अगर लेबर क्लास ज्यादा है तो लेबर क्लास रूल करे अगर पूंजीवादी वाद, लोग ज्यादा हैं तो वो रूल करे तो वो ये बिलीव करते थे सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे तो वो साथ ही साथ ये भी कहते थे कि, कि किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए कोई स्पेशल स्पेशल उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिलनी चाहिए तो अगर कोई माइनॉरिटी है तो उन्हें कोई स्पेशल एलोकेशन नहीं दिया जाना चाहिए स्पेशल प्रोविजंस नहीं मिलने चाहिए तो कोई विशेष अधिकार उन्हें नहीं मिलने चाहिए संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो इसका विरोध करते थे साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है संपत्ति है वो सिर्फ कुछ लोगों के ही पास हो वो ये कहते थे कि संपत्ति जो है सब में बटनी चाहिए और वो उनमें ज्यादा बटनी चाहिए जो जो कि मेजोरिटी में हो, वो डिसाइड करेंगे कि किसमें कैसे संपत्ति बटेगी साथ ही साथ एक तीसरा वर्ग भी था लोगों का जो एक अलग सोच रखता था वो थे लिबरल्स यानी कि उदारवादी इनका क्या विचार था ये सोचते थे कि वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के वो विरोधी थे तो पहली बात उनकी ये थी कि वो ये कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेरिडिटरी मतलब राजा का बेटा जो है वही फिर अगला राजा बन रहा है ऐसे वंश आधारित शासक नहीं होने चाहिए और इसकी वजह से अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल्ड उनको सत्ता नहीं मिलनी चाहिए कि कोई नियंत्रण ही नहीं है वो अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए वो विरोधी थे इसके न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे तो वो ये चाहते थे कि एक वेल ट्रेनड और एजुकेटेड जुडिशरी हो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो न्यायपालिका हो जो कि कानून जो है स्थापित करे और वो बहुत अच्छी शासन व्यवस्था चला पाए शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे तो वो साथ ही साथ ये भी कहते थे कि आ, किसी भी एक कम्युनिटी रीजन या रिलीजन का जो है रिलीजन की वजह से अगर किसी में मेजोरिटी जो है क्रिश्चियस है, है या मेजोरिटी हिंदू है या मेजोरिटी मुस्लिम्स है तो उसके हिसाब से वहां पर रूल नहीं होना चाहिए शासन नहीं होना चाहिए तो धर्म की जगह धर्म की जगह शासन जो होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पे बेस्ड होना चाहिए और ऐसा संविधान बनना चाहिए जो सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे तो लिबरल जो थे वो ये सोचते थे तो धीरे धीरे फिर यूरोप में क्या होने लगा पेरिस कम्यून का गठन जो कि मजदूरों कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था तो यूरोप में पेरिस कम्यून करके एक गैदरिंग एक ग्रुप बन गया जिसमें मजदूर जो थे लेबर क्लास जो थी वो बहुत बहुत बड़े लेवल पर मिलकर आने लगी और बातें करने लगी जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ जहाँ खूब गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी तो साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पर सोशल और पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे जहाँ लोग बहुत ही बड़ी तादाद में बहुत ही बड़े स्केल पर इकट्ठा होते थे और बहुत ही हीटेड डिस्कशंस करते थे गर्मा गर्म बहसे करते थे कि क्या होना चाहिए उनकी कंट्री का फ्यूचर महिलाएं अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी तो साथ ही साथ पहले फीमेल्स का विमेन का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं था लेकिन क्योंकि इक्वालिटी की बात हो रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था फ्रांसीसी क्रांति आ गई थी और इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और जस्टिस की बात हो रही थी तो इसलिए विमेन जो थी महिलाएं जो थी वो भी अब पब्लिक स्पेसेस में सार्वजनिक जीवन में ह्यूज नंबर्स में बड़ी ही संख्या में सामने आने लगी थी तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी वजह से बहुत मेजर चेंजेस वर्ल्ड वाइड आए थे तो इस पे बेस्ड जो है आप क्वेश्चन प्रश्न है आपका समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है पहले मैं आपको हिंदी के आंसर्स दिखा देती हूँ फटाफट उसके बाद फिर मैं इंग्लिश के आंसर्स भी दिखा दूंगी और प्रश्न पांच जो है वो हम हिंदी और इंग्लिश का साथ में दिखाएंगे तो मैं पहले प्रश्न चार जो प्रश्न है वो जल्दी से हम कर लेते हैं तो समाजवाद पर किन बातों पर विचार किया जाता है इसका उत्तर आपकी वर्कशीट में ही है यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवाद जो है वो आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है तो उन पर एक्चुअली समाजवाद जो है वो आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करता है तो सीधा उत्तर आप ये भी लिख सकते हैं लेकिन आप चाहें तो ये पूरी लाइन भी लिख सकते हैं अब चलते हैं आपके प्रश्न दो पर प्रश्न दो कहता है समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है तो समाजवाद के हिसाब से जो पैसा है और जो उत्पादन है उसके साधनों के साथ क्या होना चाहिए तो इसका उत्तर भी आप वर्कशीट में इजीली देख सकते हैं समाजवाद के हिसाब से निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है तो धन के मामले में तो वो ये कहता है साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य या सरकार के हाथ में होना चाहिए तो ये आप उत्तर दो में लिखेंगे अब चलते हैं आपके प्रश्न तीन पर प्रश्न तीन आपका कहता है यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले तो ऐसी क्या सिचुएशंस हुई परिस्थितियां हुई कि यूरोप में समाजवाद फैला तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं मैं आपको ऑलरेडी वर्कशीट में समझा चुकी हूं तो ये जो पांचों वर्क परिस्थितियां हैं ये आप इस आंसर में लिखेंगे आगे चलते हैं आपके प्रश्न चार पर रेडिकल या आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल यानी उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह अलग थे तो इसका आंसर भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ये कैसे अलग थे ये आप यहां से ये उत्तर लिखेंगे तो ये दोनों जो है आपके वर्कशीट में बॉक्सेस ये आप यहां से लिखेंगे तो प्रश्न पांच अब जल्दी से देख लेते हैं और फिर मैं इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ चलती हूँ वहीं पर मैं आपको प्रश्न पांच का उत्तर भी बता दूंगी प्रश्न पांच यहाँ पर है आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं आपको संक्षेप में लिखना है कि जो मजदूर वर्ग है और पूंजीपतियों का जो वर्ग है उनके बीच में स्ट्रगल क्यों है संघर्ष क्यों है तो अब मैं चलती हूँ जल्दी से आपकी इंग्लिश की वर्कशीट पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंग्लिश की वर्कशीट है मैं जल्दी से आपको शो भी कर देती हूँ तो पहला क्वेश्चन है विच इश्यूज आर डिस्कस्ड इन सोशलिज्म सोशलिज्म में कौन से इश्यूज डिस्कस किए गए हैं ये वाला आप यहाँ पर बात कर सकते हैं तो सोशलिज्म एक्सप्लेन द ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल सब्जेक्ट ये आपका आंसर वन है फिर चलते हैं आपके क्वेश्चन टू व्हाट आर द थॉट्स ऑफ सोशलिज्म ऑन वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन तो सोशलिज्म के क्या थॉट्स हैं वेल्थ पे तो उसके थॉट्स ये हैं इट अपोजेस द राइट्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी पर प्रोडक्शन पे ये है अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन देंड्स ऑफ सोसाइटी और स्टेट ये आपका आंसर टू है चलते हैं आपके क्वेश्चन थ्री पर विच स प्रो सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया सोशलिज्म uh, तो ऑलरेडी हम ये डिस्कशन कर चुके हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप ये जो पांच पॉइंट हैं ये आप यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन कहता है हाउ आर द रेडिकल्स एंड लिबरल्स डिफरेंट इन थॉट रेडिकल्स और डिफर लिबरल्स में क्या डिफरेंस था वो ये डिफरेंस था वॉन्टेड द गवर्मेंट बेस्ड ऑन इज दिस और ये पर समझने के लिए आप ये वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया है कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन पे आप चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे वट आर द रीजन्स ऑफ क्लास स्ट्रगल बिट्वीन द लेबर्स एंड कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू यू हिंदी में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आ, लेबर्स और कैपिटलिस्ट मतलब मजदूर वर्ग और पूंजीवादी वर्ग के बीच में जो संघर्ष है स्ट्रगल है उसके रीजन क्या है ये आपको ब्रीफ में शॉर्ट में लिखना है तो यहां पर आपके लिए एक सैम्पल आंसर लिखा गया है आप जरूर अपने विचार भी बिल्कुल इसमें लिख सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ये छोटा करके दिखा देती हूँ ताकि आप इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसे इजीली आप देख पाए तो ये आपका उत्तर हो गया कि रीजन यही है जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जो ओनरशिप था और डिस्ट्रीब्यूशन था वेल्थ का प्रॉपर्टी का और मींस ऑफ प्रोडक्शन का दोनों क्लासेस के बीच वो अनइक्वल था मतलब कि धन संपत्ति और उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व और वितरण था वो असमान था और जो लेबर क्लास थी वो दिन रात काम करती थी लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास सर्वाइवल के लिए भी बहुत स्ट्रगल था वो फिर भी संघर्षरत रहते थे वहीं दूसरी ओर पूंजीपति क्या करते थे वो एक एक उंगली भी नहीं उठाते थे काम भी नहीं करते थे और फिर भी उन्हें जो लेबर क्लास का जो काम था उससे जो धन मिलता था उसका भी वो फल भोगते थे और साथ ही साथ पीढ़ियों से जो उन्होंने अपना धन जमा कर रखा था उसका भी वो फल भोगते थे तो यही रीजन था कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड हो आपको इमीडिएटली पता चल जाए थैंक यू